इस दुनिया में कई तरह के पेड़ पाए जाते हैं, जिनमें से कई पेड़ इतने खूबसूरत होते हैं कि हमारी नज़र उनसे हटती ही नहीं, तो वहीं कुछ पेड़ इतने अजीबोगरीब होते हैं कि हम उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे अजीबोगरीब और रेशमी पेड़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। नंबर 5 पर है विस्टेरिया ट्री। ये पेड़ जापान में पाया जाता है। कहते हैं कि इस पेड़ की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत पेड़ों में की जाती है। इस पेड़ की खास बात यह है कि ये पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढके रहते हैं। किसी पेड़ पर गुलाबी रंग के फूल लगते हैं तो किसी पेड़ पर नीले रंग के फूल लगते हैं, जिससे इस पेड़ की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन फूलों को पूरी तरह से खिलने में 5 साल से लेकर 15 साल तक का समय लग जाता है। है ना सच में खूबसूरत पेड़। नंबर 4 पर है बोटल ट्री। इस पेड़ की बनावट बिल्कुल एक बोतल की तरह होती है, इसलिए इसे बोटल पेड़ के नाम से जाना जाता है। और ये पेड़ ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन ये इतना अजीबोगरीब होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी होता है, क्योंकि इस पेड़ से निकलने वाला दूध जैसा रस काफी जहरीला होता है। माना जाता है कि प्राचीन समय से ही इस पेड़ से निकलने वाले जहरीले रस का इस्तेमाल शिकारी शिकार करने के लिए करते थे। नंबर 3 पर है बावा ट्री। ये अजीब सा दिखने वाला पेड़ मेडागास्कर अफ्रीका में पाया जाता है, और इसे हिंदी में गोरची भी कहते हैं। इस पेड़ पर साल के 6 महीने तक पत्ते रहते हैं, और बाकी के 6 महीने तक इस पेड़ पर एक भी पत्ता नजर नहीं आता। इस पेड़ की खास बात यह है कि ये दिखने में बिल्कुल उल्टे पेड़ जैसा लगता है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसकी जड़ें ऊपर की ओर और तना नीचे की ओर हो। और इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 262 फीट तक होती है, और इस पेड़ के सामने इंसान बिल्कुल बच्चे जैसा लगता है। नंबर 2 पर है जावुटी कावा। ये एक अंगूर की प्रजाति का पेड़ है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेड़ों के फल उसकी डालों में लगते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पेड़ है जिसके फल उसकी डालों में नहीं बल्कि पेड़ के तने में यानी छाल पर लगते हैं, जैसा कि आप इसे देख सकते हो, और यही खासियत इसे दूसरे पेड़ों से अलग बनाती है। नंबर 1 पर है बरगद का पेड़। यह पेड़ भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के नलगोड़ा में मौजूद है। इस अजीबोगरीब और रेशमी बरगद के पेड़ को जब भी कोई देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि इस पेड़ पर कई जानवरों की आकृतियां उभरी हुई हैं, जैसे बिच्छू, सांप, मगरमच्छ, शेर और भी कई पशु पक्षियों के स्ट्रक्चर इस पेड़ पर मौजूद हैं। और यही इस पेड़ का रहस्य है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस पेड़ पर ये स्ट्रक्चर कहाँ से आए, जिसकी वजह से कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये पेड़ अपने आप में इकलौता ऐसा बरगद का पेड़ है जिस पर जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस पेड़ पर इन आकृतियों को बनाया गया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।